ये मेरी 2500 किलोमीटर की जर्नी का तीसरा व्लॉग है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने विजिट की थी शोभा सिंह आर्ट गैलरी और अंधरेटा पटरी। अब आगे सो पटरी के बाद और आर्ट गैलरी विजिट करने के बाद मैं जा रही हूँ पालमपुर की तरफ। और पालमपुर जैसे कि आप सबको पता ही है फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, तो मुझे भी रास्ते में बड़े ही सुंदर टी गार्डन्स दिखे। वैसे तो यहाँ सब जगह ही दिखेंगे आपको, बट यहाँ मुझे दिखे और दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो मेरा मन ही अपने आप ही हुआ कि यहाँ पे रुक जाते हैं, रुक के फिर देखते हैं हम इसको। पालमपुर के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते अब हम आ गए हैं पालमपुर की मेन मार्केट में। सो अंधरेटा आर्ट गैलरी के बाद मैं पहुंच गई हूं पालमपुर। तो ये जो टाइम है ये लंच का हो चुका है, तो हमें किसी ने रेकमेंड किया था कि यहाँ पे एक शॉप है, इनके स्नैक्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। बट अंदर काफ़ी ज़्यादा रश है तो मैं वेट कर रही हूँ बाहर। तो यहाँ से थोड़े बहुत स्नैक्स खा के हम जो पालमपुर के कुछ फेमस प्लेसेस हैं वहाँ जाएंगे। उनमें से एक है सौरभ वन विहार, दूसरा है नुगल कैफ़े। तो यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। जॉय रेस्टोरेंट पालमपुर की मेन मार्केट में है और लोकल्स में काफी फेमस भी है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। तो सब कुछ खाने पीने के बाद अब मैं पहुंच गई हूँ सौरभ वन विहार। व्यू बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे वैली लग रही है ये, आसपास थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं, बर्फ वाले पहाड़। एक्चुअली में इसके साथ ही यहाँ पे एक नदी बहती है, नदी के साथ ही ये वन विहार बनाया गया था। बट कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तो ये बड़े बड़े आप बोल्डर्स देख सकते हैं जो पड़े हैं यहाँ पे, तो ये सारे जो है वन विहार के अंदर चले गए थे, पूरे में बिखर गए थे। तो अभी उन्होंने दोबारा आई थिंक थोड़ा टाइम पहले ही इसको रीओपन किया है। मैं जब पहले आई थी तो अंदर छोटी सी लेक भी थी, उसमें बोटिंग भी होती थी। अभी देखते हैं अब कैसा है, आई हैव नो आइडिया। तो एंट्री हमने कर ली है, यहाँ पे एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। ये पूरा इंडेक्स बना हुआ है यहाँ पे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे रिसेप्शन भी है, एक्वेरियम है, स्मॉल वाटर बॉडी भी है, टॉयलेट्स आर देयर। और जो ये वन विहार है ये कैप्टन सौरभ कालिया के नाम से है, तभी इसका नाम सौरभ वन विहार है। ये यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एक्वेरियम, तो लेट्स सी अंदर क्या है। तो मैं पहले जब आई थी तो बहुत साल पहले आई थी तब यहाँ पे, तो तब ये एक्वेरियम नहीं होता था। आई थिंक ये न्यू एडिशन है यहाँ पे। यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया का जो है वो स्मारक भी बनाया गया है, वो करगिल वॉर में शहीद हुए थे और उनको यू नो मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला था। पार्क के बाद अब मैं जा रही हूँ लेक की तरफ। यहाँ पे है छोटी सी लेक, काफ़ी लोग भी हैं वहाँ पे और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, ऐसे लगता है कि काफ़ी तेज़ बारिश आएगी, क्योंकि कल भी यहाँ पे ना हेल स्टॉर्म हुआ था बड़ा ज़बरदस्त वाला। मैं उस वक्त भी मार्केट में ही थी, तो एक तरह से हम फंसी गए थे मार्केट में। तो अभी भी मेरा ये है कि प्रॉपर मैं पूरा घूम लूँ इससे पहले कि मौसम ख़राब हो। सो जिस लेक के बारे में मैं पीछे बात करी थी वो लेक यही है। छोटी सी ये लेक, सुंदर है, बट सबसे अच्छी बात जो यहाँ की है कि ये पीछे का नज़ारा है ना जो बहुत ही ऑसम है। बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, आसपास चारों तरफ पेड़ हैं। ऐसी ही लेक सेम मसूरी में भी है, मसूरी लेक के नाम से, जिसको सब जानते हैं। बट ये है कि वहाँ पे जो सीनरी आसपास की वो ऐसी नहीं है, और यहाँ पे जो व्यू है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। काफ़ी लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। वैसे इसका जो क्लोजिंग टाइम है समर्स में वो 6 o'clock है, तो 6 बजे ये बंद हो जाएगा, और विंटर्स में ये 5 बजे ही बंद हो जाता है। तो आई थिंक ये लास्ट ही राउंड होगा बोटिंग का भी। हमारे साथ बच्चे हैं तो वो भी ज़िद करें बोटिंग के लिए, बट अभी हम काफ़ी लेट हो गए हैं, सो वी आर गोइंग बैक नाउ। पालमपुर घूमने के बाद हम फिर आ गए बीड़ और चल दिए गांव की गलियों से होते हुए बीड़ कॉलोनी। शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 का टाइम है इस वक्त। तो यहाँ पे गांव के बीच बीच में से ना बहुत सारे ट्रेल्स हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और आप ज़्यादा पैदल चलना पसंद करते हैं तो बीच बीच में से बहुत रास्ते जाते हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे पहुँचा देते हैं। तो मैं भी ऊपर मेन बीड़ से छोटा सा ये रास्ता जाता है नीचे तिब्बतन कॉलोनी की तरफ, लैंडिंग साइट भी आपको पहुँचा देता है ये। तो मैं भी उसी रास्ते से जा रही हूँ, गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी है, गाड़ी नहीं उठाई है, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। देखेंगे अगर वापसी में थक गए तो यहाँ पे कैब्स हैं वो बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो हम कैब करके वापस आ जाएंगे। और बीड़ में वैसे काफ़ी साल पहले भी आई थी, आती रहती हूँ मैं यहाँ पे,
तो इतने साल पहले अगर मुझे याद है, आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। रात के टाइम मतलब सारा सुनसान था, लाइट्स भी नहीं दिखती थी दूर दूर तक, तो डर लगता था। लेकिन अब इतनी डेवलपमेंट हो गई है इस पूरे रास्ते में भी। अभी हम कितना आए होंगे, 100 मीटर आए होंगे मुश्किल से, और इतने सारे होम स्टेज बन गए हैं, यू नो हॉस्टल्स बन गए हैं रहने के लिए, और रिसॉर्ट्स भी हैं काफ़ी सारे। तो अब तो लगता ही नहीं कि प्रॉपर यू नो टूरिस्ट स्पॉट जैसे होता है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, ये वैसी वाली प्लेस बन गई है। और साथ में ये सुपर स्टीप है। बीर में आपको काफी तरह के स्टेइंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें बजट हॉस्टल से लेकर लविश डोम्स तक सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये मैंने बीर में जो है फर्स्ट टाइम देखा है, यहाँ पे डोम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जब भी में थे पहले, बट अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ देर बीर कॉलोनी की मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम काफी टायर्ड हो गए हैं, तो हम चल दिए वापस बीर की ओर। जैसे कि मैंने जाते हुए ये बोला था कि अगर थक गए तो हम कैब करके वापस आएंगे, तो वही हुआ, हिम्मत नहीं हुई वापस पैदल, यानी पैदल वापसी में तो वैसे भी चढ़ाई थी, हमने कैब ले ली और अब वापस जा रहे हैं। ठीक टाइम पे फ्री हो गए, लेकिन मैं अगली बार फिर से जाऊंगी, क्योंकि मैं पैदल जाने की वजह से ना मैं पूरी मार्केट घूम ही नहीं पाई, लैंडिंग साइट तक भी नहीं जा पाई मैं। सेव इट फॉर नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके इन जगहों के कोई एक्सपीरियंसेस हैं, तो प्लीज कमेंट करके शेयर जरूर करें। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।